एसो पंच नमो कारो एसो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की इस जगति का उद्धार किया इस जगति का उद्धार जो आया शरण भव पार किया जो आया शरण भव पार जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जो पाप मिटाने आया था जो भारत को आन जगाया था भारत को आन उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की उस त्रिशला हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। आज रविवार है गुरुदेव का 40वां श्री श्री सतगुरु के चरण में वंदन बारंबार जैन दिवाकर कीजिए मेरा बेड़ा पार विग
विघ्न हरण मंगल करन, गुरुवर के गुण गान। विद्या बुद्धि बल दीजिए हे गुरु दया निधान, हे गुरु दया निधान। जय गुरुदेव दया के सागर, जैन दिवाकर गुण के आगर। मालव मन हर भूमि सुहाई, नीमच नगरी सबके मन भाई। सवद्गुणी सो साल चौतीसा, कार्तिक सुद तेरस रवि प्रकाशा। गंगा राम पिता कहलाए, जननी केशर के मन भाई। ताके उदर जन्म शुभ पायो, चौथ मल अस नाम धरायो। चांद सोम सा मुखड़ा सोहे, रवि सा तेज नेत्र मन मोहे। विद्या गुण में भय प्रवीणा, प्रथम चरण यौवन में दीना। माता स सोची मन माई, प्रतापगढ़ में करी सगाई। चौथ मल दुल्हा बन आए, मानवती संग तीन दिवस ससुराल सुहाई। मानवती पीहर में आई, माता कहे सुनो बिंद राजा। घर का सभी संभालो काजा, अब मैं जैन सती बन जाऊ। तप करी सभी कर्म खपाऊ, माँ जब तुम संयम व्रत धारो। मेरो जग में कौन सहारो, तुम संयम व्रत में चित देना। तब विवाह मेरा क्यों कीना, तेरे संग मैं भी आऊंगा। मैं भी दीक्षित नीमच नगर छोड़ कर ध्याए, ग्राम बोलिया चल कर आए। बरगद पेड़ सघन घन छाया, शीतल मंद समीर सुहाया। नारी त्याग वैराग्य मन भाया, पुत्र भिक्षा तुम लोम निराया। चौथे मल को दीक्षा दीजे, सुत को शिष्य अपना कीजे। हीरा लाल गुरु गुण कीना, चौथ मल को संयम दीना। गुरुवर के शुभ आशीष पाए, चौर तरफ सुयश्चव छाया। यूपी सीपी मध्य प्रदेशा, राजस्थान में रहे विशेषा। दिल्ली मुंबई अलवर सारा, जयपुर और जोधपुर तारा। रतलाम उदयपुर हड़ौदी कोटा, देश गुजरात पालनपुर मोटा। राजा कहे उपदेश सुनावा, जीव दया पट्टा करवाया। पारस वीर जयंती आवे, नगर बीच अगता रखवावे। जब यह देह राज्य में आवे, तब कोई नहीं जीव सतावे। राजाओं ने आज्ञा धर लीनी, लिख लिख सनत भेंट कर दीनी। गुरुदेव ने चमत्कार कर दीना, सुन सुन लोग अच्छा। गुरुवर हड़ौदी ऋणी तुम्हारो, जब अफीम को गुड़ कर डालो। कृपा दृष्टि भक्तन पर कीनी, पुल पर रेल रोक तब दीनी। मुक्त हुए नर नारी रोग से, वांछित पाए चरण योग से। अद्भुत दृश्य कोटा दिखलाया, त्रिवेणी संगम सबके मन भाया। स्वर संगठन का दिया बजाई, पदलिब सा गुर कबून चाई। सुदरविवार गुरु मन भाया, जन्म मरण दीक्षा एक आया। अंतिम दिन रवि प्रवचन दीना, रविवार स्वर्ग पद लीना। अदृश्य माता सेवा सुसारे, गुरु भक्तन के काज सुधा।
कितने मिल गुरु के गुण गावे, महिमा पार पार नहीं पावे। 7 साल मग सर सुध आए, नवी नंद भवन स्वर्ग सिधाया। जय गुरु नाम हृदय में धारे, ताके पासे पड़े पुवारे, ताके पासे। जैन दिवा कर आप हो, चौथ मलजी महाराज। दया दृष्टि उर लाय के, सभी सुधारो काज। निश दिन में करती रहू, चरण शरण की सेव। शुभ आशीष मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव। शुद्ध भाव से जो पढ़े, 40 चित लाए। सुख संपत्ति पावे वही, विघ्न सभी विरलाए। जैन दिवा कर गुरुदेव के, करना है गुणगान। चंदन मन इच्छा पुरो, वरद हस्त दो दान। चंदन मन इच्छा पुरो, वरद हस्त दो दान। सच कहती हूँ भक्तों, उद्धार हो जाएगा। सच कहती हूँ भक्तों, उद्धार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा। राजा राणाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे। चलती चलती रेलगाड़िया रुकी है उनके आगे। श्रद्धा भाव से जिसने भी गुरु चरणों में शीश झुकाया, हुई मुरादे पूरी उनकी। बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया। मन की आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो, दीदार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का। भक्ति उसको कहते हैं जो खुद की खुदी मिटा दे। रोए तो इस भाव से कि प्रभु को भी साथ रुला दे। गुरु चरणों में लौट लौट कर अपना उसे बना ले। स्वर्ग तेरी आंखों में होगा, गुरु का ध्यान लगा ले, गुरु का ध्यान लगा ले। गुरु चरणों में हो, गुरु चरणों में हर सपना साकार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का। संतों के वो महासंत और योगियों के योगी, उनकी दृष्टि पड़े तो पल में रोगी बने निरोगी। सबसे बड़ा धनी है वो जैन दिवाकर जिसके पास। गुरुवर जिसके हृदय में है वो क्यों भय, वो क्यों भय उदास। सूखा चमन बिखिल कर हो, सूखा चमन बिखिल कर गुलजार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। सच कहती हूँ
भक्तो उद्धार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ प्रवचन पूरा हो, आप अपना एक कर्तव्य जरूर निभाएं, हर्ष हर्ष और जय जय जरूर बोलें, ताकि सामने वाले को बोलने वाले को भी एक उत्साह और उमंग क्रिएट हो। हर्ष हर्ष, आइए, आज रविवार है, सुनने की आदत तो आपने बहुत डाली है, कभी सुनाने की आदत भी बना लेते हैं, तो आइए इसी श्रृंखला में सऊ पिंकी मूथा। आराध्य के चरणों में नमन। आज का विषय है कहानी घर घर की, तो उन्हीं के माध्यम से एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। घर घर की बस यही कहानी है, सदियों की ये रीत पुरानी है। एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, चलती है यूं जिंदगी, सास बहू का अजीब नाता है, समझ समझ के समझना आता है। कभी ये लड़ती है, कभी झगड़ती है, होगा ना अब ये कभी। तुम तो मेरे माँ के जैसी हो, बहू को अपनी बेटी समझती हो, तुम कितनी प्यारी हो, जग से भी न्यारी हो, मैं हूँ तुम्हारी लाडली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जय जिनेंद्र। धीरे धीरे आइए इसी श्रृंखला के अंदर एक सुंदर गीत पेश करेंगी साध्वी अक्षदा। आज का विषय क्या है? आगे से पीछे तक की आवाज आनी चाहिए जब भी कोई पूछे तो। आज का विषय तो आप लोगों को भी आता है, तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा। रिश्तों की पूजा जहां हो, आदर बड़ों का वहां हो, भीगे जो ममता का चल, आंसू बने गंगा जल, हंसना हंसाना है, रोना कहानी घर घर की का।
सुकर वीर विरोध को तुमसे लागी ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो जी संकट हमारा तुमसे जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं पंकज व्याकुल भया दर्शन विनय जिया लागे खारा मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागी लगन ओम नमो सया सव सिद्धानम ओम नमो सया सव सिद्धानम ओम नमो सया सव सिद्धानम सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रतिपल वंदनीय मम आराध्या मातृस्वरूपा तीर्थ स्वरूपा पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन व्यासपीठ पर विराजित परम आदरणीय प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में भाव भरा वंदन विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में सत्सवंदन गुरु दिवाकर केवल दरबार के अंदर उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों चतुर्मास के प्रारंभ से अब तक विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही है। एक प्रवचन हुआ था मुझे गर्व है मैं जैन हूं, दूसरा था बोलो जय जिन शासन वंदे जिन शासन गुरु पूर्णिमा और चतुर्मासिक चौदस। आइए कुछ धार्मिक कुछ पारिवारिक कुछ ऐतिहासिक कुछ आज की वर्तमान की समस्याओं से जुड़े हुए करंट टॉपिक क्योंकि यह भी जरूरी है
धर्म जितना जरूरी है उतना स्वयं के स्वयं को परिवार को जोड़ना भी बोलो जरूरी है। एक सुंदर आलिशान मार्बल ग्रेनाइट इटालियन से बना हुआ आपका 5 स्टार बंगला है जिसमें एसी कूलर एलईडी बहुत अच्छा यूएस यूके थाईलैंड जापान का बढ़िया फर्नीचर है। इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आप घर में एंट्री लो लाइट ऑन हो जाती है पंखे चालू हो जाते हैं आपको उठने की जरूरत नहीं है रिमोट से सारा काम हो जाता है। लेकिन इतना सुंदर घर है गार्डन इतना अच्छा है गार्डन में बढ़िया चांदी का झूला लगा हुआ है मंद मंद हवाएं चल रही है सुंदर प्रकृति का वातावरण है लेकिन उस घर में आने के बाद अगर खुशी ना मिले शकुन ना मिले शांति ना मिले प्रसन्नता ना मिले घर के अंदर स्ट्रेस एक सन्नाटा एक दूसरे के चेहरे पर नो स्माइल एक तनाव एक पर्वतों की तरह खामोशी एक स्मशान की तरह सन्नाटा किसी के चेहरे पर हंसी नहीं कोई आने के बाद मुस्कुराता नहीं हर एक दूसरा अपने काम के अंदर बिजी किसी को किसी के लिए टाइम नहीं किसी को किसी के दर्द की परवाह नहीं किसी को किसी की फिक्र नहीं खुद खुद का रूम खुद का मोबाइल राइट या रॉन्ग खुद का मोबाइल हमें कंप्यूटर पर बैठकर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाना आए हैं मोबाइल पर बैठकर बहुत सारी चैटिंग करना आई है व्हाट्सएप और अच्छे मैसेज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज फॉरवर्ड करने आए हैं फेसबुक इंस्टाग्राम अपडेट करने आया है गेहूं में रहे हुए कंकर निकालने आए हैं घर में रहा हुआ कचरा हमें साफ करना आया है हजारों तिलों को मिलाकर गुड़ मिलाकर उसकी हमें तिल पापड़ी बनाना आई है बहुत सारे धागे साथ में लेकर उन धागों की हमें रस्सी बनाना आई है बहुत सारे फूल लेकर उन फूलों के साथ एक हार बनाना हमें आया है बहुत सारे शक्कर के कण और आटे के कण लेकर हमें कसार बनाना आया है दूध के अंदर हमें केसर और शक्कर मिलाना आया है बादाम के साथ शक्कर मिलाकर हमें सीरा बनाना आया है ईंट से ईंट जोड़कर हमें क्या बनाना आया है मकान बनाना आया है। ये तो सारा हमने कर लिया लेकिन एक परिवार में रहे हुए 4 व्यक्तियों को हमें क्या करना नहीं आया जोड़ना नहीं आया मोबाइल के ऊपर हमें स्माइली भेजना याद आया लेकिन सामने बैठे हुए पिता को सामने बैठी हुई ननंद को सामने बैठी हुई बहू को क्या हमने स्माइल दी बोलो। एक दोस्त को स्माइली भेजना आपको याद आता है लेकिन आपका बड़ा भाई या छोटा भाई अगर आपके सामने है और सुबह में उठे गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप मैसेज किया लेकिन क्या सामने बैठे हुए भाई को गुड मॉर्निंग किया
एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, घर चाहे छोटा है, घर चाहे झोपड़ी है, घर चाहे तंग है, घर में चाहे खाने की, एक ही बार वॉल्यूम फिक्स कर, हेलो एक्सचेंज कर लेना, हेलो एक ही चालू कर, ए भाई भाई यही ले ले, नहीं ये चालू है क्या, तू लगा ना आवाज बंद है, ये तो बंद कर, हेलो ये चालू है, हेलो हेलो उपसर्ग न आए तो बाती क्या बने, महावीर अपनी साधना के पथ में चलते हैं तो उन्हें भी उपसर्ग आ जाते हैं, आप भी अपनी गाड़ियां चलाते हो तो स्पीड ब्रेकर आ जाता है, महिलाएं खाना बनाती है तो हाथ जल जाता है, तो हम भी कभी प्रवचन देते हैं तो माइक की लाइट गुल हो जाती है। आइए हम बात किसकी कर रहे थे, घर के अंदर भाई है और उसे एक स्माइल न दे पाए, प्यार से दो बात न कर पाए, बहुत सारे रिश्ते हैं, रिश्तों से हमारी दुनिया बनी है, घर चाहे छोटा है तंग है, खाने को दो रोटी मिलती है, उन्हें दूध नहीं मिलता, उन्हें पकवान नहीं मिलता, उन्हें मेवा नहीं मिलता, उन्हें मिठाई नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ सिर्फ बिना दूध की काली चाय मिलती है, लेकिन जब सुबह में उठते हैं ना, भाई भाई को गले लगा लेता है, बेटा बाप के चरणों में झुक जाता है, सास और बहू गले मिल लेती है, वह घर घर नहीं है, वह घर मंदिर है, वह घर घर नहीं है इबादत का घर है, वह घर घर नहीं है, वह इस धरती का क्या है, जन्नत है। आइए आज का हमारा प्रवचन का टाइटल सॉन्ग क्या है, कहानी घर घर के, बहुत सारे रिश्ते हैं, एक रिश्ता होता है बाप और बेटे का, एक रिश्ता होता है भाई और बहन का, एक रिश्ता होता है मां और बेटी का, एक रिश्ता होता है ननंद और भाभी का, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है, ध्यान से सुनना, दिल थाम के सुनना और बुरा मत मानना, और बुरा मान जाओ तो पहले से एडवांस में बहुओं के नाम और सासू के नाम, आज की मेरी चिट्ठी, आज का मेरा व्हाट्सएप मैसेज, एक रिश्ता ऐसा जो भारत और पाकिस्तान जैसा, कैसा, एक रिश्ता ऐसा कि भारत और पाकिस्तान जैसा, भारत और पाकिस्तान दुनिया के साथ कोई टीम खेल ले, इंडिया की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीता, साउथ अफ्रीका जीती, दक्षिण अफ्रीका जीती, यूएस जीता, जापान जीता, चाइना जीती, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आती है तो ऐसा लगता है पाकिस्तान अगर जीत गया तो भारत, बोलो क्या होगा, अरे पाकिस्तान अगर जीतता है तो हमारे क्रिकेट प्रेमी टमाटर अंडे न जाने क्या क्या फेंक देते हैं, ऐसा एक रिश्ता ऐसा है जो भारत और पाकिस्तान का, चाहे वह कितना भी अच्छा हो, चाहे वह कितना भी प्यारा हो,
चाहे सास कितनी भी अच्छी हो, चाहे बहू भी कितने अच्छे हो, लेकिन एक रिश्ता जिसे क्या किया जा सकता है, आज तक उन्हीं नजरों से देखा गया है। काश काश सास अगर बहू को बेटी मान ले, काश बहू अगर सास को क्या मान ले, मां मान ले। और एक फार्मूला निश्चित याद रखना, जो दोगी वही क्या करोगी, पाओगी। एक निसर्ग का, एक नेचर का नियम है, जैसा आप दो वैसा ही आपको क्या मिलता है, रिवर्स में मिलता है। झुकोगी तो दुनिया झुका लोगी। अगर दिल जीत लिया परिवार का, तो याद रखना पूरे परिवार पर तुम्हारी क्या होगी, अरे हुकूमत होगी। हम बहुत बार चाहते हैं कि हम लोकप्रिय बन जाएं, पूरे लोग हमें चाहे, हम जहां जाएं हमें लोग आदर करें, सम्मान करें। हम यह भी चाहते हैं कि परमात्मा भी हम पर कृपा बरसाए, परमात्मा आशीर्वाद दे, हम परमात्मा के, प्रभु के क्या बन जाएं, प्रिय बन जाएं। शर्त, आप दुनिया के लोकप्रिय बन सकते हो, आप परमात्मा के कृपा पात्र बन सकते हो, जैसे गौतम थे, जैसे जम्बू था, जैसे सुधर्मा स्वामी थे, आप भी बन सकते हो। लोकप्रिय बनना और परमात्मा का प्रिय बनना, उससे पहले एक कंडीशन, एक शर्त, बिजनेस की दुनिया के अंदर बिजनेस करने वाले को जीएसटी भरना क्या है, अनिवार्य है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स भरना जरूरी है। पूरी दुनिया के प्रिय बनने से पहले एक बार परिवार के प्रिय बन जाओ। किसके? परिवार के। जिस दिन प्रिय बन गए, याद रखना तुमने दुनिया क्या कर ली, जीत ली। लोकप्रिय बन गया, लेकिन जो परिवार का प्रिय नहीं बना, वह दुनिया में कभी भी आगे क्या नहीं हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। आइए एक बार का प्रसंग, एक लड़की की शादी हुई, शादी के कुछ दिन गुजरे, और जब भी किसी लड़की की शादी होती है, उसके भी एक अरमान, एक इच्छाएं, एक प्यार में 20 साल 25 साल तक नाजों में पली, प्यार में पली। एकाएक लड़की फुल एजुकेशन, हॉस्टल वाली लाइफ, कौन सी लाइफ, हॉस्टल वाली लाइफ, यार और दोस्तों वाली लाइफ, अपना एंजॉय वाली लाइफ, और उस लड़की की क्या हो गई, शादी हो गई। शादी हुई, घर आई, और जैसे ही घर आई, सासू का फतवा जारी हुआ, सॉरी सासू का फतवा जारी हुआ, बहू जी इस घर का रूल्स है, इस घर का नियम है, इस घर का कानून है, इस घर का संविधान है, सुबह में ठीक 5:30 बजे क्या करना, बेडरूम से बाहर आ जाना। जो कभी 8 बजे से पहले उठी नहीं, जिसने कभी चाय बनाई नहीं, और सासू का ऑर्डर ठीक 6:30 बजे बाहर, 5:30 बजे बाहर, बहू बाहर आई, बहू जी तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी मां ने नहीं सिखाया कि सर पर पल्लू जरूरी होता है, ये क्या सलवार और सूट हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, शर्म नहीं, लज्जा नहीं, लिहाज नहीं, मर्यादा नहीं, कोई कानून नहीं, क्या है ये, सोचो जरा। आज के बाद साड़ी से बाहर आओगी और सर क्या होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। जिसने कभी साड़ी पहनी नहीं, जींस टी शर्ट बरगुंडा शॉर्ट्स, यही पहने थे, साड़ी क्या है उसे पता नहीं, सलवार सूट से आई, 90 से बाहर आई, और सासू का ऑर्डर निकला कि क्या चाहिए, साड़ी चाहिए, सर पर पल्लू ढका हुआ चाहिए। एक दिन बहू बैठी हुई सोफे पे, सासू बाहर घूम रही,
बहू जी घर की मर्यादा को संभालो, जरा नीचे बैठो। मैं क्या हूं? सास हूं, खड़ी हूं। प्लीज ऊपर नहीं, कहां है तुम्हारा स्थान? नीचे है। कौन बोली? सास बोली। एक दिन सास की आड़दस क्या आ गई, सहेलियां आई। सहेलियां आती है तो बात चल रही, बात चलते चलते सास कहती है, मेरी दो बेटियां हैं, ध्यान से सुनना। सास कहती है, मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटी की तो शादी हो गई लेकिन एक अभी भी क्या है, बाकी है। क्या कहा? एक बाकी है। तो एक सहेली ने पूछा, क्यों बाकी है? अरे एक तो मेरी इतनी सुखी है, इतनी अच्छी है, क्या बताऊं, इतनी बढ़िया है कि पूछो मत। सासू खुद उसे उठकर चाय बनाकर क्या करती है, देती है। अरे उसे तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, घर में चार नौकर है, सब है, लेकिन क्या है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बेटी की भी देखा है, लेकिन अब जल्दी क्या हो जाए, उसकी भी शादी हो जाए। बस एक इतना ही देख रही हूं कि सिंगल फैमिली हो। कैसी फैमिली हो? सिंगल फैमिली हो, ताकि मेरी बेटी क्या रहे, आराम से रहे। कौन सुन रही है? बहू सुन रही है। खुद की बेटी जहां पर है, चाय भी सास देती है, और दूसरी बेटी देना है, वहां पर भी फैमिली क्या देखना है, सिंगल। संयोग बेटी की भी शादी हो गई, अब बचा कौन बेचारा, बेटा, कि अब क्या लाना है, एक और बहू लाना है। एक बहू आ चुकी है, अब क्या लाना है, एक और बहू लाना है। इतनी सारी लड़कियां देख ली, लेकिन क्या नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। अरे बहुत सारी लड़कियां देखी, देखो मेरी बेटी सुखी है, और दूसरी बेटी की शादी की ना, उसकी तो सास भी नहीं है, देवर भी नहीं है, जेठ भी नहीं है, ननंद भी नहीं है, मेरी बेटी अकेली क्या कर रही है, राज कर रही है। तब धीरे से बहू बोली, आने वाली बहू भी यही सोच रही है कि मुझे भी सास नहीं चाहिए, वह भी आकर क्या करे, राज करे। एक बार चार लेडीज आपस में बात कर रही थी। एक लेडीज ने कहा, मैं तो अगर घर से बाहर चली जाती हूं तो मुझे क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तो दूसरी ने पूछा, क्यों? अरे भाई जब तक मैं अपना तकिया साथ लेकर नहीं जाऊं तो मेरे तकिए के बिना मुझे क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। दूसरी बोली, जब तक मुझे मेरा ओढ़ने का चादर नहीं मिले तब तक मुझे भी क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तीसरी बोली, मुझे मेरा गद्दा ना मिले तो मुझे क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तो बहू सुन रही है, बहू बोलती है, जिसका गद्दा छूट गया, जिसका बिस्तर छूट गया, जिसका आंगन छूट गया, जिसका परिवार छूट गया, जिसका माँ छूट गई, जिसके पिता छूट गए, पूरी अपनी बचपन की 25 साल की दुनिया छूट गई, वह जब तुम्हारे घर में आती है तो उसे भी क्या आनी चाहिए, अरे चैन की नींद आनी चाहिए। यह दर्द एक बहू का नहीं, कई बहुओं का है। काश सासू जितना प्यार, जितनी आत्मीयता, जितना दुलार अपनी बेटी से करती है, उतना ही अगर बहू से कर ले तो घर क्या बन जाए, स्वर्ग बन जाए। लेकिन जब नहीं होता है तब आने वाली बहू कहती है, एक दिन वही बहू अपने पति से बोलती है, सुनो जी सुनो, तुम्हारे कान में आवाज आती कि नहीं आती है, सुन रहे हो, मैं बोल रही हूं, ध्यान आया कि नहीं आया, बोल भाई क्या चाहती है तू, सुनो मैं मॉडर्न कंप्यूटर युग की लड़की, पढ़ी लिखी, हॉस्टल में रही हुई, 5-स्टार लाइफ बिताया हुआ, और तुम्हारे मम्मी पापा बैलगाड़ी के युग के, कौन से युग के, बैलगाड़ी के युग के, नॉट पॉसिबल, या तो इस घर में मैं रहूंगी या कौन रहेंगे, कौन रहेंगे, मम्मी या पापा रहेंगे।
सुन लो, कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं रह सकती। ऐसा मत करो, ऐसा मत बैठो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, होटल में मत जाओ, क्लबों में मत जाओ, किटी पार्टी में मत जाओ, डांस मत करो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, नहीं, मैं नहीं रह सकती। मैं चली घर पर और मुझे रखना है तो सुन लेना, तुम्हारी सास को, तुम्हारी मां को क्या कर दो, रवाना कर दो। लड़का बेचारा दो पाटन के बीच में साबित बचानक कोई। लड़का सोचता है क्या, अब मैं पत्नी को रखूं या मां को रखूं? और सारे दिन बहू क्या करती है, बोलो, हेलो मॉम कैसी हो, हाय गुड मॉर्निंग, मम्मा बहुत याद आ रही है, मम्मा मन नहीं लग रहा है, आज मैंने खाना बनाया, खाना बनाते समय मेरा हाथ क्या हो गया, जल गया। बेटा खाना सास बना लेगी, तू क्या कर, आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर, वीकनेस लग रहा है। थोड़ी देर समय निकला, अमेरिका में रहे हुए एक फ्रेंड का फोन आया, हाय कैसे हो, ओ माय गॉड तेरी आवाज सुन ली मैं हैप्पी खुश। और सास आई, बहू जी क्या हुआ, कुछ नहीं मैं मेरा काम कर रही हूं ना, प्लीज रिक्वेस्ट आप अपना काम करो। कौन बोली, बहू बोली, सास मतलब क्या हो गई, एक घुटन, खुद की मां तो श्वास और सास अगर आ जाए, हमें ऐसा लगता है कि मानो घर के अंदर एक तूफान आ गया, एक भूकंप का झटका आ गया। एक छोटी सी कहानी मैं पेश करूं सास और बहू की घटना को लेकर, जो घटना एक कारुणिक है, जो घटना एक मार्मिक है, जो घटना बॉम्बे के नेपियंसी रोड पर घटी हुई घटना है, घटना जैन परिवार की है, किसकी है, जैन परिवार की है। और वैसे मैंने अपने जीवन में कई सारी घटनाएं देखी है, क्योंकि साधु होने के नाते कई परिवार आते हैं, कई टूटते हुए परिवार आए हैं, कई बिखरते हुए परिवार आए हैं, कई बार सासों की आंख में आंसू देखे हैं और कई बार बहुओं की घुटन देखी है, कई बार उनकी तड़प देखी है, उनकी वेदना देखी है और कई बार तड़पती हुई सास की वेदनाएं भी देखी है। जब जब उनकी आंखों में आंसू देखती हूं, उनका रोता हुआ चेहरा देखती हूं, उनका नश्वर चेहरा देखती हूं, उनका बिखरता हुआ परिवार देखती हूं, तो मेरी आंखों से भी क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी, चाहे सास हो, चाहे बहु हो, चाहे परिवार हो, एक सामायिक कम करो तो चल जाएगा, एक माला कम करो तो चल जाएगा, एक उपवास नहीं करोगे तो चल जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट, निवेदन, गुजारिश, अब सिर्फ अपनी बहू से और अपनी सास से क्या कर लेना, बोलो, अरे एक बार उनसे प्यार कर लेना। वह सामायिक किस काम की, कि घर में जाकर अगर बम विस्फोट हो जाए। एक बार एक लड़का और पापा दोनों सोफे पे बैठे थे, अंदर से एक बर्तन गिरने की आवाज आई, आवाज के साथ मम्मी की आवाज नहीं आई, लड़के ने जवाब दिया, लगता है, मैंने नहीं कहा, भाइयों की ओर से आवाज आई कि लड़का बोला, लगता है जो कांच की इंपोर्टेड डिश पापा आप थोड़े दिन पहले लाए थे जो टूटी है, वह किसके हाथ से गिरी है, मॉम के हाथ से गिरी है। बाप ने बोला, बेटा तुझे कैसे पता कि मॉम के हाथ से गिरी है? तो बेटा बोला, काश अगर बहू के हाथ से गिरती। क्यों आपको बहुत हंसी आई? काश अगर बहू के हाथ से गिरती तो गर्म पानी का बॉयलर फूट जाता है। कौन बोला? बेटा बोलता कि गर्म पानी का बॉयलर फूट जाता, एक विस्फोट आ जाता, घर में भूकंप का झटका आ जाता। क्यों, क्यों ऐसा होता है? खुद के हाथ से गिरे, बेटी के हाथ से गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, बेटा और लेकर आ जाएंगे, लेकिन बहू के हाथ से भी गिर जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, प्यार।
लेकिन आजकल दोनों रिश्ते में एक दुराव है, एक तनाव है, एक प्यार नहीं है, एक वात्सल्य नहीं है, एक मधुरता नहीं है, एक स्नेह नहीं है, एक प्रेम नहीं है, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के दोष देखने की आदत है। ऐसी एक घटना नेपेन सिरोड़ की, दिल थाम कर सुनना क्या होता है और ये रिश्ते और ये परिवार कैसे टूटते हैं। और मैंने पहले ही कहा था, जैसा दोगे वैसा ही क्या होगा, वैसा ही मिलेगा, प्रकृति का नेचर है। ताली के बदले ताली और गाली के बदले गाली। एक दिन एक सासू जी किचन में काम कर रही थी और बहू सोफे पे बैठ कर क्या देख रही थी, क्या देख रही थी, टीवी सीरियल, अपनापन, रिश्ते कैसे बनते हैं, एक अच्छा सा सीरियल देख रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। उसने सोचा कौन मरा है, कौन गया है, जरा बाहर जाकर क्या कर लूं, देख लूं। बहू बाहर गई, गैलरी में जाकर देखी, पड़ोस की बिल्डिंग के अंदर एक माजी रहते थे, वो माजी इस दुनिया से क्या हो गए, चले गए। बहू ने देखा 60-70 साल की माजी थे, दुनिया से चले गए। वो तो 60 साल की थी और मेरी सासू माँ 80 साल की है, कितनी है 80 साल की, वह चली गई, वह मर गई, ये नहीं मरती। हे भगवान, कब तक इसे झेलू। आई सासू के पास, किचन में सासू काम कर रही और सासू से बहू बोलती है, सासू जी पास वाली तुम्हारी सहेली चली गई, पता है तुम्हें। हां बेटा पता है, वो चली गई। अरे वह मरी, तुम क्यों नहीं मरे, काश तुम भी अगर मर जाते तो अच्छा होता। सासू जी मैं तंग आ गई तुम्हारे से। बेटा बेटा मौत आएगी तब मैं इस दुनिया से क्या हो जाऊंगी। कौन बोली, सास बोली बेचारी, बेटा जिस दिन मौत आएगी इस दुनिया से चली जाऊंगी, बिना मौत तो क्या नहीं हो सकती हूं, मर नहीं सकती। बहू बोली मैं बताऊ उपाय, ये लो गोलियां खाओ, क्या हो जाओगे, चले जाओगे। नहीं बेटा मैं गोलियां नहीं खा सकती। नहीं है, एक काम करो, सामने लोकल ट्रेन चल रही है, पटरी पर सो जाओ, दुनिया को पता चलेगा कि तुम ट्रेन के नीचे कट गए, अचानक जा रहे थे, पटरी पार कर रहे थे और मामला खत्म। नहीं बेटा ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है मैं बताती हूं, जाओ जूही चौपाटी के ऊपर, लगा लो समुद्र में एक छलांग, मेरा तो टेंशन खत्म। कौन बोली, बहू बोली, सास बोली, जैन धर्म को मानने वाली हूं, फॉलो करने वाली हूं, कैसे मैं आत्महत्या करूं, कैसे मैं सुसाइड करूं, कैसे मैं मरूं। बेटा बेटा मैं नहीं कर सकती हूं, मरो तुम यहीं मरो, मेरी छाती पर मूंग दलो। कौन बोली, बहू बोली, सासू की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, आंसू नहीं आ गए, पत्थर दिल भी रो पड़ा। हे भगवान, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, बस मैं तेरे से यही प्रार्थना करती हूं, मुझे उठा ले, अब ये गम, अब ये शब्द, अब ये दर्द, अब ये नफरत, अब ये घृणा, अब ये तिरस्कार, अब ये अपमान, मैं नहीं, क्या नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, हे परमात्मा तू मुझे उठा ले। एक दिन की घटना, कुछ दिन गुजरे होंगे, कुछ समय गुजरा होगा, सास ने रात का खाना अपने बेटे के लिए, बहू के लिए सारा बना के रख दिया, आटा लगा के रख दिया कि जब भी बेटा आए तो क्या बना देना उसके लिए, सब्जी दाल चावल कढ़ी खिचड़ी जो भी था सब बना के रख दिया, सिर्फ फलके बहू तू बना देना। रात को 11-12 बजे लड़का आया, वो वॉशरूम में गया फ्रेश होने के लिए। बहू ने सोचा कि मैं क्या बना दूं, फटाफट
दो रोटी डालना है। गैस चालू किया, तवा ऊपर रखा, रोटी बनाना शुरू किया। संयोग दुर्योग, घटना एक ऐसी घटी, गैस जैसे ही चालू किया गैस लीकेज हुआ, आग पकड़ी। ड्रेस जो पहनी हुई थी नाइटी नायलॉन की थी, कॉटन की नहीं थी। भड़का हुआ तेज, आग की लपट किस पर आई? उस बहू पर आई। चिल्लाई जोर से, पति आए, सांस आए, तब तक इतनी जल चुकी थी। हॉस्पिटल में लेकर गए। दुर्भाग्य था कि बहू उस दुनिया से क्या हो गई, चली गई। सास तो क्या रही, बैठी, और कौन चली गई? बहू चली गई। घटना एक संदेश देती है, घटना एक प्रेरणा देती है। जैसा बोया वैसा क्या हुआ? मिला। जैसा बोला वैसा पाया, जैसा सोचा वैसा मिला। बहू की सोच गलत थी तो फल किसको मिला? सास को नहीं मिला, किसको मिला? बहू को मिला। आइए, आज का एक यही उदाहरण है। आज हर घर के अंदर इस तरह के झगड़े हो रहे, तनाव हो रहे हैं। रिक्वेस्ट, मैं कहना चाहूंगी मेरी सासुओं से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी भाभियों से, जो जिस घर के अंदर आई है, एक बार अपने आप को एडजस्ट कर ले, एक बार नम्रता के साथ सासुओं का दिल जीत ले। और सासू के लिए भी कहना चाहूंगी, बहू को बहुरानी बनाकर लेकर आना, लेकिन बहुओं को कभी नौकरानी बनाकर क्या मत करना, मत लाना। जिस दिन बहू को नौकरानी समझ लिया, याद रखना उस दिन वह सास को बहू क्या समझेगी? दुश्मन समझेगी। घड़ी में भी अपना समय हो रहा है। आज क्या है? हाँ, संडे। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज क्या है, संडे है। बहुत अच्छा लगा कि संडे के दिन आप सभी के क्या हो गए, दर्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा। हुथने भजू छू रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। एक रविवार ऐसा मिलता है। महाराज जी आपके नाम, कोई बात नहीं, आज का संदेश आपके नाम सभी के। कहानी घर घर की, ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, किसी एक संघ की नहीं है, किसी एक समाज की नहीं है। संघ और समाज को एक करने वालों, समाज के कर्णधारों से निवेदन है, घर घर की कहानी जाकर सुनो, सॉल्यूशन निकालो। माइक के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर्स जरूर दे देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े हम प्रोग्राम कर लेते हैं। मत करो बड़े बड़े प्रोग्राम, मत करो बड़े बड़े सम्मेलन। अगर जोड़ना चाहते हो तो परिवार को जोड़ो, ये टूटते हुए रिश्ते को जोड़ो। अरे जा, आप किसी थाने में, किसी कोर्ट के अंदर जाओ, हाइएस्ट अगर कोई केस है तो किसके केस है? डिवोर्स के केस है। उन डिवोर्स के केस के अंदर सबसे ज्यादा अगर केस मिलते हैं, हमारी जैन समाज के मिलते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी, समाज के जितने दिग्गज लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, एक एक परिवार को अगर आपने जोड़ लिया, बिखरते हुए टूटते हुए परिवार को अगर मिला दिया, तो आपकी सामायिक करना, आपका प्रतिक्रमण करना, आपका चतुर्मास करवाना, आपको हमें इतनी दूर से लाना सार्थक हो जाएगा। बोल भगवान महावीर स्वामी की। श्री श्री मंदिर स्वामी बंधु बंधु महावीर स्वामी को लब्धिधर गौतम गणी बंधु सुधर मां स्वामी को पूज गुरुवर जैन दिवाकर चोत मठ
चरणे नमो मृदुभाषी साकर कमला गुरुणी कोटि सह वंदन करूं कोटि सह वंदन करूं। उपस्थित सज्जनों, माताएं बहनों, एक लड़की भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे दो घर क्यों दिए हैं? हर घर लड़की के लिए दो घर हैं, एक अपने माँ बाप का घर, एक ससुराल। तो लड़की कह रही है, भगवान तूने मुझे दो घर क्यों दिए? दोनों ही घर में मैं पराई कहलाती हूं। पीहर में लड़की को यही कहा जाता है, पराई घर जाना है, पराई घर की धरोहर है। और ससुराल आई तो भी क्या कहते हैं, पराए घर से आई है, न उसका पीहर अपना और न ससुराल अपना। विचार करें, ये दो घर होते हुए भी वह लड़की अपने आप को क्या समझती है, दोनों ही घर मेरे अपने नहीं है। अड़ोस पड़ोस की कोई भी आएगी, अरे पराए घर जाना है, लड़की को क्या करो, ये संस्कार दो, ये दो। ससुराल गई तो वहां पर भी अड़ोस पड़ोस या सासू ननन जो भी है, अरे पराए घर से आई है। ये सुन सुनकर उस लड़की को यही महसूस होता है, मेरा अपना कोई नहीं है, न वो घर मेरा और न ये घर मेरा। क्योंकि जिस दिन शादी हुई, पीहर भी क्या हो जाता है, उसके लिए पराया। और ससुराल में आई, वही शब्द सुनती है, पराया पराया पराया, तो उसे क्या महसूस होता है कि मैं पराई हूं, मैं दूसरे घर से यहां पर आई हूं। लेकिन हम सोचें, एक सास जैसा कि अभी अभी हम सुन रहे हैं, सास एक बदनाम हो जाती है, कहीं सास को बदनाम करते हैं, कहीं बहू को बदनाम करते हैं। और रियल में देखा जाए तो 25 साल जिस मां ने अपने बेटे को पाला, मां मां करता है वह बेटा, कुछ भी काम हो मां ये कर मां ये कर, मां से चिपका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही शादी होते ही वह 25 साल का प्यार क्या हो जाता है, 25 दिन में भूल जाता है, उसको पलटने में देर नहीं लगती है। और बड़े अंदाज से बोलता है, वाइफ इज लाइफ, बाद में क्या हो गया, इतने दिन मम्मा मम्मा थी और अब क्या हो गया, वाइफ इज लाइफ। कितने शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, सोचे हम। लेकिन वो पत्नी ने आकर ऐसा क्या कर दिया कि पूरा बदलाव आ जाता है जीवन में। मैं माताओं से कहना चाहूंगी, सासू बाद में, लेकिन पहले माताओं का कर्तव्य है कि जहां अपनी बेटी को 25 साल 20 साल आपने पाला है, पोसा है, उसे सुविधाएं सब कुछ दी है, जैसा कि अभी अभी साध्वी जी ने कहा कि मॉडर्न लड़की बना दिया है, सारी सुविधाएं दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए। जब आपको पता है कि पराए घर जाने वाली है, दूसरे घर पर जाकर रहना है इसे, तो वहां पर इसे कैसे रहना है, क्या करना है, अगर संस्कार माता पहले ही दे दे तो क्या होगा। आज जो स्थिति बन रही है, जो परिवार टूट रहे हैं, वह नहीं टूटेंगे, लेकिन संस्कारों की कमी है। माताओं को कहां फुर्सत है कि वह अपने बच्चों को संस्कार दे। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, आया के हाथ में पलने लग जाता है, नौकरों के हाथ में जाता है। और अगर संडे को बच्चे के पास टाइम है तो माँ बाप के पास टाइम नहीं है। कहा जाता है बॉम्बे या महानगरों की लाइफ कैसी होती है कि बच्चे को माँ बाप आड़े देखता है बढ़ते हुए, लेकिन ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखता है। अर्थात बच्चा जब सुबह जल्दी उठकर स्कूल चला जाता है तो पिता क्या करते हैं, सोए रहते हैं, और जब शाम को पिता घर पर आते हैं तब तक बच्चे सोए रहते हैं। तो खड़े यानी बढ़ते हुए बच्चे को माँ बाप कहाँ देखते हैं। और माताओं को किटी पार्टियों से, मार्केट से फुर्सत नहीं है, संडे आया तो बाजार घूमना। विचार करो, बच्चों को जब संस्कार नहीं देते हो और वही बच्ची पराए घर जाती है, और फिर न तो वहां पर वो अनुशासन में रह सकती है, न वह कठोर नियमों का पालन कर सकती है, क्योंकि घर में आपने उसे क्या छोड़ा है, आजाद। लेकिन घर में अगर एक बिल्ली को पालो
तो उसे भी आजादी दे सकते हो कि वह किचन में कहीं पर भी जाए, चाहे दूध में मुंह डाले चाहे घी में मुंह डाले। विचार करना, एक बिल्ली पर भी कंट्रोल है तो आपका अपनी एक बेटी पर कंट्रोल ना हो। उस बेटी को इतनी आजाद मत बनाओ कि पराए घर जाकर वह दुखी हो जाए। विचार करना, सोचना कि हम माताएं अपनी बेटियों को कैसे संस्कारित कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सुविधा मत दो लेकिन संस्कार दो। संस्कार अगर बेटी में आए तो वह बेटी अपने घर जाकर क्या करेगी। और सासुओं से भी मेरा कहना है कि ये समझो कि बहू आई है, उसे आप बहू रानी बनाकर लाए हो, वह घर की मालकिन है, वह आपके घर का वारिस बढ़ाने वाली है, वह आपका खानदान बढ़ाने वाली है। जहां बेटी और बहू में फर्क आता है तब क्या होता है, झगड़े वहीं होते हैं। हम सोचें एक नई नवेली बहू जैसे ही शादी होती है और रिवाज है अपने मारवाड़ी के गुरुओं के दर्शन के लिए पति पत्नी को लेकर गुरुओं के दर्शन के लिए ले जाते हैं कि गुरुओं का पहले इन्हें आशीर्वाद मिल जाए। ऐसे ही एक कपल शादी करते ही गुरु के चरणों में आया। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, घर वाले तो सब आशीर्वाद देंगे कि सुहाग अमर रहो ये रहो, लेकिन गुरु ने कहा उस नव दुल्हन से, बेटा मैं तुझे एक ही आशीर्वाद देता हूं और वह एक मेरा एक वाक्य तू ध्यान रखना, वह जिंदगी भर तेरे काम आएगी। गुरु फरमाओ क्या, बोले एक बात ध्यान रख लेना और यह सोच लेना कि मैं इस घर में, जो नए घर में तू प्रवेश कर रही है, मैं इस घर में सबको सुख देने के लिए आई हूं, सुख लेने के लिए नहीं आई हूं। काश ये वाक्य अगर तूने जीवन में अपना लिया तो याद रखना तू जिंदगी भर क्या रहेगी, सुखी रहेगी। और अगर हम भी सोचें, हर व्यक्ति ये सोच ले कि संसार में मैं आया हूं, बच्चों को एक तरफ बिठा दो, नहीं क्या है मस्ती, मैं सुख देने के लिए लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुख देने के लिए आया हूं। काश ये बात हर व्यक्ति सोच ले तो संसार में हर प्राणी क्या हो जाए, सुखी हो जाए, हर परिवार सुखी हो जाए। लेकिन हम क्या सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि घर में बहू देखती है जब बेटी के सास ससुर आते हैं तब उनका सम्मान कैसा होता है। आपका भी अनुभव है कि घर में बेटी के सास ससुर आए, बेटी के ससुराल वाले आए, उनकी इज्जत अलग ही होती है, उनका सम्मान अलग ढंग से होता है। लेकिन अगर बहू के माँ बाप आ जाते हैं तो उनका सम्मान में क्या होती है, कमी होती है। वो तो बेटी वाले हैं, वो झुक कर रहेंगे। ये जो परंपरा है हमारी समाज की चल रही है, इसी से बहू जब ये बातें देखती है कि जब देखो जब ननंद के परिवार आता है ससुराल वाले, उनका इतना सम्मान होता है, आदर और सत्कार होता है, मनोहार होती है, और मेरे पीहर वाले आते हैं तब क्या होता है, फर्क होता है। और यही फर्क बहू के मन में क्या कर देता है, एक फर्क ला देता है, एक ऐसी चीज पैदा कर देता है। चित्रकार जो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता था, उसके मन में एक बात उठी, मैं ऐसा चित्र बनाऊं, ऐसा चित्र बनाऊं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चित्र हो। सोचा, कल्पना कर रहा है, मन में कई विचार कर रहा है, लेकिन दिमाग में कोई चित्र नहीं आ रहा है कि कौन सा चित्र बनाऊं। तभी उसने सोचा बाहर यात्रा करूं, घर से बाहर निकलूं, कहीं कोई अच्छी चीज मिल जाए तो मुझे चित्र बनाने के लिए कोई कल्पना मिल जाएगी। और वो बढ़ा, जैसे ही बाहर निकला दूसरे गांव गया, एक जगह ऐसी जगह पहुंचा जहां पर इसी तरह का एक माहौल था। गुरु सामने बैठे हुए हैं, संत बैठे हैं और जनता उनके प्रवचन सुन रही है, उनके दर्शन कर रही है। वहां पर पहुंच गया और वहां पर जाकर पूछा, संसार में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। क्या पूछा, संसार में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। तभी आप जैसे बंदे ने एक जवाब दिया कि श्रद्धा और विश्वास ही सब कुछ है। श्रद्धा ही तो वह चीज है कि जो एक पाषाण को भी क्या बनाती है, भगवान। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर आप उसे पूछते हैं किस लिए,
श्रद्धा के बल पर, यानी श्रद्धा और विश्वास ही सब कुछ है। संसार विश्वास के बल पर चलता है, श्रद्धा के बल पर चलता है, तो संसार में सब कुछ श्रेष्ठ है तो श्रद्धा है। फिर भी उसे पूर्ण संतोष नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ा, किसी दूसरी जगह जाकर तलाश करूं क्योंकि मुझे चित्र बनाना है। फिर आगे बढ़ा, चलते चलते एक नवविवाहित दुल्हन मिल गई जो सजी धजी लग रहा है उसके चेहरे से कि अभी अभी जिसकी शादी हुई है। उससे पूछा, संसार में सर्वश्रेष्ठ चीज कौन सी है? वह दुल्हन कहती है, प्रेम। उसे क्या चाहिए? प्रेम ही उसकी निगाह में सब कुछ है। वह कह रही है, प्रेम ही सब कुछ है, संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज अगर है तो प्रेम है। तभी आगे बढ़ा, आगे चलते चलते उसे एक सैनिक मिला जिसके कंधे पर हाथ में पिस्तौल बंदूक, सैनिक की वेशभूषा। सोचा, इससे पूछूं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तभी वह कहता है, अरे भाई, संसार में सर्वश्रेष्ठ है तो शांति है। अगर शांति है तो सब कुछ है, युद्ध में कुछ सार नहीं है, शांति सब कुछ है। यह उत्तर सुना, सोचा, किसी ने श्रद्धा बताई, किसी ने प्रेम बताया और किसी ने शांति बताई। लौटा अपने घर की ओर, जैसे ही घर पर आया और दरवाजे को दस्तक दी, जैसे ही दरवाजा खटखटाया, घर में मां, पत्नी, बच्चे सब उत्सुकता के साथ दौड़े दौड़े आए और दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलते ही बच्चे पापा से क्या हो गए, अरे चिपक गए, इतने दिनों के बाद पापा आए, पापा 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 करके चिपक गए। पत्नी आत्मीयता से, प्रेम से भरी हुई, मां के मन में एक विश्वास, एक शांति, एक प्रसन्नता। यह देखकर वह कलाकार सोचता है, वह चित्रकार सोचता है, काश जिस घर में श्रद्धा विश्वास हो, प्रेम हो और शांति हो, वह घर स्वर्ग से क्या है, बढ़कर है। ऐसा चित्र बनाया उसने कि घर ही स्वर्ग है। हम भी सोचें, जिस घर में विश्वास हो, श्रद्धा हो, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और विश्वास के भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव हो, निश्चल प्रेम हो, और जहां पर शांति अपने आप रहेगी, और जहां एक दूसरे के मन मुटाव चलेंगे, एक दूसरे उखड़े उखड़े मुंह से बैठे रहेंगे, चाहे साथ में बैठे हैं लेकिन ऐसा लगेगा कि वो साथ में बैठकर इतनी दूरी पे खा भी रहे हैं तो मानो मृत्यु भोज खा रहे हो, क्योंकि चेहरे पर हंसी नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं। वो खाना भी क्या होता है फिर? अरे हमारी महिलाएं भी जब गुस्से में आकर खाना बनाती है या रोती हुई खाना बनाती है तो वो खाना क्या होता है? अरे पॉइजन का रूप ले लेता है। विचार करना, हम संसार में रहते हैं, हम घर बसाया, परिवार बसाया, लेकिन इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए आई हैं। जिस नए घर को आपने प्रवेश किया है उस घर को क्या बना दो? अरे स्वर्ग बना दो। तो आपका उस जीवन कहाँ गुजारना है? उसी घर में गुजारना है। सास आपकी माँ है, और मैं सासुओं से भी कहना चाहूंगी, उदाहरण के तौर पर आप कई बार शालीभद्र की जीवनी पढ़ चुके हैं, जो हमारे इतिहास में, जैन इतिहास में शालीभद्र का नाम आता है, जहां पर व्यापारी 16 कंबल लेकर आए थे और वो 16 कंबल, माता कहती है कि मुझे 32 कंबल चाहिए। कितने चाहिए? क्योंकि बहुएं कितनी हैं? 32 हैं, 32 कंबल चाहिए। लेकिन ये नहीं बोला कि पहले मेरी बेटी को चाहिए। किसको चाहिए? एक का एक बेटी थी, बहुएं तो 32 थी लेकिन बेटी एक थी। लेकिन कभी यह नहीं कहा कि मुझे 33 चाहिए या खुद के लिए चाहिए। 16 कंबल के टुकड़े किए और बहुओं को क्या किया? 32 बहुओं को दिया। अपने घर की महारानी अपनी बहू है ना कि कौन है? अरे वो पराए घर की बेटी है। जरा ये फर्क अगर मां समझ ले, वो उस घर की
कुल वधु है और मेरी बहुएं ही मेरे घर की कुल वधुएं हैं। मुझे अपनी बहुओं से प्यार करना है। इस घर की वारिसदार वो है, इस घर की लक्ष्मी वो है। काश ये विचार अगर सासू भी कर ले तो सासू और बहू का झगड़ा समाप्त हो जाए, तो बेटे अपने आप माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। काश हमारी प्रेरणा से नासिक में वृद्धाश्रम चलता है। हमें पता है कि किस किस स्थिति में वृद्ध लोग आते हैं, कहीं किसका दोस्त कहीं किसका दोस्त। लेकिन विचार करना, सैकड़ों इंटरव्यू ले लिए वृद्धों के, वृद्ध माता पिता कितने दुखी होकर उनकी आंसुएं जो निकलते हैं। जरा सोचें कि अगर सास को अपने बेटे से बहू नहीं बोलने देती है तो उसका परिणाम क्या आता है, क्योंकि उसके मन से एक माँ की बद्दुआ निकलती है और वह बद्दुआ ऐसी लगती है कि कई बार बहुओं के गर्भ में बच्चे क्या हो जाते हैं, अरे गिर जाते हैं। उसका कारण है सास की बद्दुआ लगती है। चाहे वो अपने बेटे को बद्दुआ ना दे, लेकिन बहू के प्रति तो क्या निकलती है, उसकी एक आह निकलती है। और इसीलिए कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, गर्भ में मर जाते हैं। तो आइए, या अपंग बच्चे पैदा होते हैं जो सासू की सेवा नहीं कर पाती है। समय हो चुका है, लेकिन हम सोचें कि परिवार में कैसे रहना, संयुक्त परिवार कैसे बसाना। इसके लिए माताओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा दे कि पराए घर में जाकर वे बहू बनकर न रहे, उस घर की रानी बनकर रहे और सारे परिवार से प्रेम करे, वही घर स्वर्ग बनता है। बोल भगवान महावीर। आपने इतनी देर दिल थाम कर सुना, कुछ सूचनाएं सुन ले, वापिस रिपीट नहीं करूंगी, चाहे तो आप रिकॉर्ड कर ले। आज दोपहर को ठीक 2:30 बजे से बच्चों के लिए संस्कार शिविर और आप लोगों के लिए वेरी वेरी स्पेशल गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य और मनी पावर कैसे बढ़ाना, उसके लिए एक साधना, एक प्रयोग ठीक 1 घंटे के लिए है। अधिक से अधिक संख्या में आइए, जितनी ज़्यादा संख्या में आएंगे मज़ा आएगा। और एक बात, एक कदम पाठशाला की ओर, एक कदम स्थानक की ओर, एक कदम मकाना गार्डन की ओर। आप स्वयं आए, अपने बच्चों को कहाँ लेकर आए, स्थानक में यहाँ पर लेकर आए, मकाना गार्डन के अंदर आप उंगली पकड़कर बच्चों को लेकर आओगे, ये बच्चे आपको पालीतना, गिरनार और समय शिखर की क्या कराएंगे, यात्रा कराएंगे। एक प्रयोग, जो भी इस चतुर्मास के अंदर संडे के दिन, रविवार के दिन परिवार के साथ आएगा, दिवाकर जयंती के दिन आदर्श परिवार के पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाएगा। जो भी भाई और बहन प्रतिदिन जोड़े से दर्शन करने आएगा, उसे बेस्ट कपल के अवार्ड से उसे सम्मानित किया जाएगा। आने वाली 27-28 तारीख सामूहिक रूप से बेले का अनुष्ठान रखा गया है, धर्म चक्र के बेले। भाई और बहनों से नम्र निवेदन है कि बेले के अंदर अपने नाम लिखवाएं। आने वाली 28 तारीख अमावस्या के दिन सामूहिक इसी पंडाल के अंदर रखी गई है। अधिक से अधिक भाई और बहन सामूहिक करें और 28 तारीख को एक टूर यहां से महाविदेह का, कहां का, प्लीज साइलेंट मोबाइल, एक टूर यहां से महाविदेह का, एक टूर यूरोप का, एक टूर लंदन का, एक टूर सिंगापुर का, एक टूर दुबई का, एक टूर महाविदेह का। तो आइए, एक टूर महाविदेह का कैसे है, अपने आंख पर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा लेकर आए, नहीं तो यहां से संघ की ओर से व्यवस्था की जाएगी। दिनांक 31 जुलाई गुरु आनंद केवल जन्म महोत्सव 1008 जोड़े से जाप रखा गया है, आपको अपने नाम लिखवाना है, अधिक से अधिक संख्या में आना है। एडजस्टमेंट किया है, किसी का जन्मदिन 26 को है, किसी का 29 को है, बेंगलोर वालों के लिए एडजस्ट है, न 26 न 29, कौन सी तारीख चुनी, 31. क्यों, संडे। आप लोगों के लिए
आप सभी के नाम आने वाले शुक्रवार 22 जुलाई से शुक्रवार पार्श पद्मावती एकाशनी का आगाज, माँ पद्मावती और भगवान पार्श्वनाथ की आराधना का एक सूत्रपात, पिछले कई वर्षों से साध्वी चंदना जी महाराज साहब की प्रेरणा से 2005 से ये शुक्रवार की शुरुआत है और आज तक लाखों भक्तों ने इसका अनुष्ठान किया है और बहुत कुछ पाया है। तो जिन भाई बहनों ने नाम नहीं लिखवाए हैं वे अवश्य लिखवाएं। शुक्रवार प्रवचन का विषय है एंगर मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? एंगर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, एंगर मैनेजमेंट। शनिवार का प्रवचन का विषय है गुड मॉर्निंग, क्या है? नॉट गुड नाइट, क्या है? गुड मॉर्निंग। और रविवार का विषय है कार तो दो लेकिन अपने बच्चों को क्या दो? संस्कार दो। कार देने से पहले संस्कार दे दिया तो गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी परिवार। तो आइए, कल के प्रवचन का विषय है आपको क्या चाहिए, अनुबम चाहिए या अणुव्रत चाहिए? यू आर चॉइस, अनुबम या अणुव्रत। कल प्रवचन के पश्चात 27 दिवसीय ओसक गरम का जाप प्रारंभ होने जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या के अंदर जुड़े, आयम्बिल के अंदर जुड़े। आज सभी उपनगरों से जो भी भक्तगण आए हैं उनका अभिनंदन, स्वागत। आज विशेष सेवा के रूप में अम्बेश अम्बेश युवा मंडल आया है, तहे दिल से उनका भी स्वागत। स्थानीय युवा मंडल भी बहुत अपनी अच्छी सेवाएं दे रहा है, तहे दिल से थैंक्स, आभार। अब आपके सामने मकाना साहब। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर को वंदन, अत्र विराजित महासती वंद को सत्सत वंदन। धर्म सभा में पधारे हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का सिटी संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है, तथा बाहर गांव से पधारे हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संघ के चौके में रखी गई है। कृपया पधार कर संघ को सेवा का मौका देवें। बाहर गांव से पधारने वालों का श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है, तथा मंडिया श्री संघ के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल जी दलाल हमारे संघ पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भी कई नगरों से पधारे हैं, उनका श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बाकी सूचना सतीवंद ने सुनाई दी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अब आज के प्रत्याख्यान एकासन जो जो दारे जी के कसने का पचकान अष्टम पाणम खायमम सायमन त्रभगनम संसरागणम मैत्रागणम गुरु ठम एक टन भजन करो का आपको तस्वंते पड़िक मामी निंदामी गरियामी वो श्रे आयम बिल के पचकान आज के आयम बिल आज का आयम बिल है सुरेश जी कादिया। कल का आयम बिल है शांति देवी जी मकाना। नोट डाउन कर ले, आप भी अपना नाम आयम बिल में नोट डाउन करा सकते हैं। अष्टम पाणम खायमम सायमंत्रभगणम संसरागणम मैत्रागणम लेवालेम कुटे पड़िचे मायंबिल का बचकान उग्गे सूर्य तस्बंते पड़िक मामी निंदामी गर्यामी वो श्रे धन्यवाद। एक उपवास आज का उपवास जो जो धारे जी के नौकार मंत्र को सरणो गुरु माच को सरणो शासन देव को सरणो अष्टम पाणम खायमम सायमंत्र भगणम संसरागणम मैत्रागणम दिन का तिव्या रात का चोर उग्गे सूर्य उपासम पचकामी तस बनते पड़िक मामी निंदामी गर्यामी वो श्रे दो उपवास धन्यवाद। दो उपवास बेला बेला नौकार मंत्र को सरणो गुरु माच को सरणो शासन देव को सरणो अष्टम पाणम खायमम सायमंत्र भगणम संसरागणम मैत्रागणम दिन का तिव्या रात का चौथम भक्त मिलन छठम भक्त बेला का पचकान उग्गे सूर्य तस बनते पड़िक मामी निंदामी गर्यामी वो श्रे तपस्या करने वालों को तेला तीन उपवास चार उपवास पांच नौकार मंत्र को सरणो गुरु माच को सरणो शासन देव को सरणो तपस्वी राज को सरणो अष्टम पाणम खायमम सायमंत्र भगणम संसरागणम मैत्रागणम दिन का तिव्या रात का चोर आपके दस भक्त मिले बारह भक्त का बचकान उग्गे सूर्य तस बनते पड़िक मामी निंदामी गर्यामी वो श्री तपस्या करने वाले उषा भाई डूंगरवाल का आगे के भाव रखने वालों का अनुमोदना 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 बारंबार
अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को कल दोपहर में प्रश्न मंच हुआ था, उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है सुशीला जैन एसआर नगर, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सौ प्रमिला डुंगरवाल, तृतीय स्थान प्राप्त किया है ममता जी विनायकिया। तहे दिल से अभिनंदन स्वागत। ममता विनायकिया ने फर्स्ट प्राप्त किया। हाँ फर्स्ट सॉरी। और महिला मंडल पहु मंडल से कहना चाहूंगी कि बेले के नाम लिखवाएं, और यहाँ कन्या मंडल और युवति मंडल नहीं बना हुआ है, तो महिलाएं लड़कियों के नाम लिखें। उम्र सीमा है 12 साल से 25 साल तक की, कोई भी लड़की अपने नाम दर्ज करवा सकती है। आप लिखे तो ठीक, नहीं तो साध्वी अक्षदा जी के पास आकर आप अपने बच्चों के नाम अवश्य लिखवाएं अधिक से अधिक संख्या के अंदर। और यूको के अंदर जो बैचलर ग्रुप है कि जो अभी कॉलेज पढ़ रहे हैं, ऐसे मुझे 15 यूको के नाम अवश्य दे ताकि एक ग्रुप बनाया जाए। सिटी बहुमंडल की ओर से अर्पण ग्रुप की तरफ से आज अनाथ बच्चों को कपड़े वितरण किए जाएंगे। तहे दिल से धन्यवाद साधुवाद। आज मंडिया से सऊ सुनीता जी जो श्रद्धे गुरुवर या मालो सियनी कमलावती जी महाराज की रिश्ते में मामा की लड़की बहन है, तहे दिल से इस मंच की ओर से उनका अभिनंदन स्वागत। दोपहर में गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ का प्रोग्राम मकाना गार्डन गुरु दिवाकर केवल दरबार में, और बच्चों का शिविर गन्ना भवन के अंदर। ध्यान पूर्वक सुने आगे की सूचना। पधारे हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संघ के चौके में रखी गई है, कृपया जरूर जरूर लेकर पधारे। अब सामूहिक प्रत्याख्यान एंड मंगल पाठ। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान, कोई भी भोजन में जूठा न छोड़े अथवा तीन नवकार मंत्र गिनके फिर भोजन प्रारंभ करें। धारणा प्रमाणे पचकान तस्वंते बड़िक मामे निंदा मी गर्यामी वो श्रे चतारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तोदमु मंगलम चतारी लुगुत्तमा अरंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पनत्तोदमु लुगुत्तमा चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंती शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तोदमु शरणम पवज्जामि चार शरणा मंगलिक करना और शरण नहीं कोय जे भोग प्राणी आराध्य अक्षय अमर पद अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण तेकुतो आयाहिनम करेमि वंदामि नमोंस्वामि सकारेमि कल्याणं देव्यं पूज्वास्वामि तेकुतो पायाहिनम करेमि वंदामि नमोंस्वामि सकारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं न कुतो आयाहिनं करेमि नमो स्वामी सम्मानेमि मंगलं चेव्यं। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। बोले जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब की। उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब की। डॉक्टर प्रवीण चंदना जी महाराज साहब की। प्रखर वक्ता अक्षय ज्योति जी महाराज साहब की। मरोदर केसरी केसरी मल जी मिश्री मल जी महाराज साहब की। सब संतन की जय जिनेंद्र।